सरकार लाने के प्रयास में है, सरकार कैसा कानून लाएगी, लेकिन हमारी मांगे क्या हैं, किस तरह का कानून होना चाहिए, तो मैं नरेंद्र गुप्ता जी से निवेदन करूंगा। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी, नरेंद्र जी आइए। तो साथियों, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो जैसे मुकेश जी ने बताया अभी, और उससे पहले शंकर सिंह जी आपसे एक नारा लगवा रहे थे। नारा क्या लगवा रहे थे कि जवानी में काम दो और बुढ़ापे में आराम दो, ऐसे ही नारा लगवा रहे थे ना शंकर सिंह जी, कि नहीं लगवा रहे थे? तो बुढ़ापा आएगा तो जब जब हम बीमार नहीं होंगे, ठीक रहेंगे, नहीं तो बुढ़ापा कहाँ आएगा? बुढ़ापे से पहले ही चल देंगे कि नहीं चल देंगे? बुढ़ापा तो तभी आएगा ना कि भाई कोई हारी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो इलाज मिल जाए, ठीक रहें, अच्छे रहें। और फिर अगर बुढ़ापा आ भी जाए और कमर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस बुढ़ापे में फिर आराम भी नहीं है, फिर तो तकलीफ ही तकलीफ के साथ बुढ़ापा है। तो जो बुढ़ापा अच्छी तरह आए, आराम से आए, बिना बीमारी के आए, तो जरूरी है कि जवानी में ही सब चीज़ें ठीक हो, और जवानी से भी पहले जब बच्चा है तब से ठीक हो, और जब से पैदा हुआ है तब से ठीक हो। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, हमारी जो उम्र बढ़नी चाहिए, हम जो बिना बीमारी के रहने चाहिए, वो नहीं होगा। और वो सब करने के लिए हम क्या करें? हम जब कोई भी हमको तकलीफ होती है, कोई ऐसा है यहाँ पे जो आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा हो? जो कभी बीमार नहीं पड़ा हो वो हाथ खड़ा कर दे कि भाई मैं तो आज तक कभी बीमार पड़ा ही नहीं, मेरे तो पेट दर्द हुआ ही नहीं, बुखार कभी आया ही नहीं, सिर दर्द कभी हुआ ही नहीं, उल्टी दस्त कभी हुए ही नहीं, टांग मेरी कभी टूटी नहीं, चोट मेरे कभी लगी ही नहीं। हाँ, सब हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। हाँ, तो ये जो चीज़ है, सब लोग बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए हमको इलाज कराना ही पड़ता है। और इलाज कराने के लिए अभी हालत ये है कि सबको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब तक पैसे खर्च नहीं करो अपनी जेब से, तब तक इलाज मिल जाता है? कोई है ऐसा जिसको मुफ्त में इलाज मिल रहा है? सब लोगों को बोलो तो सही। हाँ, तो ये जो हालत है, इस हालत को सुधारने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा देश है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सब हम बराबर हैं। तो आप कहोगे कहाँ बराबर है, कोई तो पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई कच्चे मकान में रह रहा है, कोई बड़े मकान में रह रहा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई आदमी, कोई औरत, ऐसे ऐसे है। तो फिर हम बराबर कैसे हुए? कोई बताएगा बराबर कैसे हुए हम, और कब से बराबर हुए? हमेशा बराबर थे कि अभी बराबर हुए? कब से बराबर हुए? तो हम बराबर हुए कैसे कि हम सबका एक वोट है। कोई ऐसा नहीं है कि पैसे वाले के दो वोट हैं या तीन वोट हैं, और जो अनपढ़ है या गरीब है उसका एक ही वोट है, आदमी है उनके चार वोट हैं, औरतों का एक वोट है। है क्या ऐसा? सबका एक ही वोट है कि नहीं है? और वो वोटों से हम किसको चुनते हैं? हम हमारे पंच को चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं, पंचायत समिति सदस्य को चुनते हैं, जिला परिषद सदस्य को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, ये सब चुनते हैं। और एक एक वोट से ही चुनते हैं कि किसी कोई के चार वोट होते हैं वो चार से चुनता है? तो हम सब अगर बराबर हैं तो फिर ये सब चीज़ें अलग अलग क्यों हैं? ये सब अलग अलग चीज़ें क्यों हैं? और हारी बीमारी में हमको इलाज क्यों नहीं मिल रहा है, और उसके लिए हमको जेब से पैसे खर्च क्यों करने पड़ रहे हैं? ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। जैसे हमको ये बराबर हैं, समान हैं, जीने का अधिकार है। अरुणा जी अभी कह रही थी ना, जीने का अधिकार की बात कर रही थी। जीने का अधिकार से समझते हो आप क्या? बताइए जीने का अधिकार क्या होता है? जीने का अधिकार यह होता है कि आपके किसी के घर में बच्चा हो गया, और वो बच्चे को आपको लगा कि ये बच्चा हमको पसंद नहीं है, सब अच्छा नहीं है, लो इसको मार देते हैं, तो मार सकते हैं क्या? क्यों नहीं मार सकते हैं? नहीं, बच्चा है, पसंद नहीं आया, हमारा है। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, फेंक दी आपने,
तो बच्चे को भी फेंक दो। फेंक सकते हैं क्या? क्यों नहीं फेंक सकते? हमने पैदा किया है, हम ही फेंके। अगर आप फेंकोगे उसको तो क्या होगा? पुलिस आके पकड़ ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? और आपके ऊपर खून का इल्जाम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो इसका मतलब है कि जिसने जन्म ले लिया उसको जीना ही है। उसको उसके माँ बाप भी खत्म नहीं कर सकते हैं, कोई और खत्म नहीं कर सकता है, और तो और वो खुद भी अपने आप को खत्म नहीं कर सकता। कोई कहे कि मैं आत्महत्या कर लूँ तो आत्महत्या करने देगी पुलिस? हाँ, वो कभी उस पे टंकी पे चढ़ जाते हैं तो जाते हैं सवारे साहब उतरो तुम्हारी मांग मानेंगे, करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? नहीं तो वो चढ़ गया टंकी पे, वो कह मैं कूदूंगा तो ले कूद, नहीं कूदने देंगे। क्यों नहीं कूदने देंगे? क्योंकि जीने का अधिकार है। अगर वो कूद के मर जाएगा तो जो सरकार है पुलिस है उसको जिम्मेदार ठहरा जाएगा कि तुम्हारी गलती के कारण ये हो गया। ये बार बार परेशानी कर रहा है सब। मेरी बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमको जीना है और ये सरकार और ये देश हमको कह रहा है कि हमको जीना है, तो जीने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सब मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? है कि नहीं? मकान मिलना चाहिए, भोजन पूरा मिलना चाहिए, पानी पूरा मिलना चाहिए, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, और बीमार पड़ने पर इलाज मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे राज्य में अभी भी ये हाल है कि लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके प्राइवेट में जाते हैं, झोला छाप के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं, और जब वो पैसा खर्च होता है तो उनकी अपनी जो आमदनी है खाने का कम पड़ जाता है, पहनने का कम पड़ जाता है, कहीं कहीं उधार लेना पड़ता है, अपनी ज़मीनें गिरवी, अपने जानवर गिरवी, अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो ये सब खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सब कानून के हिसाब से होना चाहिए, अधिकार के हिसाब से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि हम जाएं और कहें कि ये हमारी परेशानी है, इसका हल होना ही होना है। ये नहीं है कि वो कभी इधर टला दे, कभी कोई अस्पताल में नर्स नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं जहाँ पे होना चाहिए एक्सरे मशीन वहाँ एक्सरे नहीं है, जहाँ पे पेशाब की जांच होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, कभी दवाई नहीं है। ये सब जो चीज़ें चलती हैं गड़बड़ जाला, वो इसलिए चलता है।